देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी के शूटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। हाल ही में सूर्यवंशी फिल्म के मेकर्स ने मूवी का पोस्टर शेयर किया और साथ ही में मूवी की रिलीज डेट भी बता दी। अक्षय सूर्यवंशी मूवी में एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ये मूवी 2020 में ईद के समय रिलीज होगी। तो आज हम हमारे टॉप 5 सेगमेंट में अक्षय कुमार की 5 मूवीज लाए हैं जिसमें अक्षय कुमार ने पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। मैं खिलाड़ी तू अनारी। मूवी मैं खिलाड़ी तू अनारी में अक्षय ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। अक्षय के साथ इस फिल्म में सैफ अली खान और शिल्पा शेट्टी भी नजर आए थे। मैं खिलाड़ी तू अनारी मूवी 1993 में रिलीज हुई थी। मोहरा। मोहरा जो एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी और ये मूवी 1994 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में अक्षय के साथ बॉलीवुड के काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स भी नजर आए, जैसे कि नसरुद्दीन शाह, शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन। खाकी। खाकी मूवी जो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की थी। इस मूवी में अक्षय ने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था। खाकी मूवी में अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के शहनशाह अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की थी। मेरी बीवी का जवाब नहीं। मेरी बीवी का जवाब नहीं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। इस मूवी में अक्षय कुमार ने बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी जी के साथ काम किया था। अक्षय की इस मूवी ने ऑडियंस को काफ़ी हद तक एंटरटेन किया था। राउडी राठौर। राउडी राठौर जो कि एक एक्शन मसाला फिल्म थी और ये मूवी एक तेलुगु मूवी की रीमेक थी। इस मूवी में अक्षय ने दो किरदार निभाया था। एक किरदार में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर और दूसरे किरदार में उन्होंने मुंबई के चोर का रोल किया था। इस मूवी में अक्षय का एक डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ था जो था डोंट एंग्री मी।